हम प्रत्येक गली मोहल्ले में जाके घर घर जाके नॉक करेंगे, मिशन 2024 दुष्यंत। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को 2024 में मुख्यमंत्री बने। इसी लक्ष्य के लेकर हम मैदान में उतरेंगे। बाकी रवि भाई ने आपको बता ही दिया है सारा, और अब राजमल काजल जी आपको बताएंगे आपका क्वेश्चन। रवि जी, आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से डोर टू डोर आप लोगों से जनसंपर्क बनाएंगे तो इससे पहले जन समस्या सुनने के लिए डोर टू डोर आपको जाना चाहिए था, तो इसकी जरूरत? हमारा प्रोग्राम यही है जी, जब डोर टू डोर जाएंगे तो समस्या भी सुनेंगे। जन समस्याओं के जो हल के लिए हमारे जो जिला के प्रधान हैं और जिला के प्रभारी हैं मास्टर ताराचंद जी, और जिला प्रधान अमित बूरा जी, और स्वयं तरुण गोयल जी जो हैं, 222 अर्बन स्टेट जो हमारा मुख्य कार्यालय है, नए कार्यालय का निर्माण हमारा अभी हो रहा है, तो हर समस्या को हल करने के लिए निरंतर हमारे जो हल्का के अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वहाँ अवेलेबल रहते हैं। परंतु उसके अलावा आपकी जो बात है जनसंपर्क अभियान के दौरान जितनी भी शहर की समस्याएं हैं, चाहे किसी भी विभाग की हैं, उन्हें पूरे तरीके से हल करवाने का काम पार्टी के नेताओं के द्वारा, पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से ही शहर के अंदर जो आज अनेकों समस्याएं हैं उन्हें जानने का भी प्रयास किया जाएगा, उन्हें हल करवाने का भी काम किया जाएगा। मिशन दुष्यंत 2024 सफल कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर अभी फिलहाल के विधायकों की बात की जाए तो एक एक करके सभी अपनी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? नहीं, कौन छोड़ के गया जी? देखिए, जननायक जनता पार्टी के मौजूदा 10 विधायक हैं और 10 के 10 पार्टी के अंदर हैं, ऐसा तो अभी कहीं कुछ भी नहीं है। अनऑफिशियली वो बयान देते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कौन है आप बताइए? दादा गौतम लगा लीजिए, और भी बहुत सारे विधायक हैं जो बार बार जो है जेजेपी पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। देखिए, दादा राम कुमार गौतम जी हरियाणा प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और उनका आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ भी एक लाड है, उसे हम दादा और पोते का लाड कहें या कोई नाराज़गी कहें तो वो उनके व्यक्तिगत है। आपने देखा होगा कभी दादा राम कुमार गौतम जी उनके ऊपर नाराज़ भी होते हैं, कभी स्वयं उन्हें अपने घर बुला करके चाय भी पिलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 के 10 विधायक जो हैं जननायक जनता पार्टी के साथ ही हैं। देखिए, जो निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के अंदर, जो पार्टी को अपना सम्मान और अपनी माँ समझता है, ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता कोई भी एक पार्टी को छोड़ करके नहीं चला गया। हमारे कमांडेंट मांगे राम जी बैठे हैं निरंतर, मतलब ये निष्ठावान नहीं थे। देखिए, अवसरवादी नेता राजनीतिक दलों में आते रहते हैं, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, जो राजनीतिक दल से केवल अपना अपने आप को लाभान्वित करने के लिए आते हैं, ऐसे नेता अगर पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो उसे पार्टी हाईकमान को, पार्टी संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्ठावान कार्यकर्ता सभी पहले दिन से जननायक जनता पार्टी का जब पांडु पिंडारा के मैदान से निर्माण हुआ, उससे लेकर के मिशन 2024 मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से दुष्यंत चौटाला जी के साथ, पार्टी संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि जेजेपी को अपने कार्यक्रम में जो है फिल्म स्टार और ये सिंगर बुलाने पड़ते हैं भीड़ जुटाने के लिए, नहीं तो फिर इनसे निकल के जाए। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल सबसे बड़ी रैली कर सकता है, ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया के माध्यम से आप किसी भी पुराने मीडिया के साथी से पूछेंगे, अगर जननायक जनता पार्टी पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी रैली रख देगी तो भी उस बॉर्डर को भरने का काम जननायक जनता पार्टी का के कार्यकर्ता करेगा। हाँ, जहाँ सवाल है सिंगर्स का, तो हमारा पीछे इनसो का कार्यक्रम हुआ था, यंगस्टर तो है, यंगस्टर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कार्यक्रम करने भी पड़ते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं जननायक जनता पार्टी के हुए हैं। आने वाले चुनावों में क्या बीजेपी जेजेपी गठबंधन कायम रहेगा? देखिए, बिल्कुल कायम रहेगा, लेकिन टूटने की बातें तो अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, जिस दिन से हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन से ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के जो पेट में दर्द होना शुरू हो गया था, और पहले दिन से उन्होंने दुष्प्रचार किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की सरकार है कुछ वर्षों की मेहमान है, परंतु पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की जो बैठक में न्योता दे करके हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को बुला करके घोषित किया कि जननायक जनता पार्टी जो है वो एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए के हिस्सा होने के नाते चाहे वो आगामी लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे महापौर के चुनाव हो, दोनों पार्टियां मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का काम करेंगी। दुष्यंत चौटाला ने खुद ये बयान दिया था कि जेजेपी जो है
अकेले अपने कैंडिडेट उतारेंगे हर एक विधानसभा सीट पर? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर राजनीतिक पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और हमने लड़ा भी है। अगर आगामी समय के अंदर ऐसी कोई बात होती है तो जननायक जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर और 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने कैंडिडेट के साथ मैदान में उतरने का काम करेगी और सभी विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा को जीतने का काम करेगी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन कायम रखने की बातें कहते हैं, लेकिन जब भी कोई प्रचार प्रसार होता है उसके अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी मेरी पूर्ण तरीके से सरकार नहीं बनी, जिसकी वजह से मुझे इस सरकार के अंदर कोई भी फैसले लेने का हक नहीं दिया जाता। देखिए, हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरों और युवाओं का एक सपना है कि हरियाणा प्रदेश जो है विकास के मार्ग पर चले। हमारे 10 विधायक हैं, हम सरकार के अंदर सहयोगी हैं, तो जो आशा और उम्मीद की जो किरण है जो हरियाणा प्रदेश की खास करके युवाओं की है, हमने बेरोजगारी भत्ते को बहाल करवाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी जब MP थे, भरी दोपहरी भरी धूप के अंदर हमने हिसार से लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गुड़गांव के अंदर मैं उनके साथ भी था, हमारे कई युवा साथी भी साथ थे, बहुत संघर्ष किया है और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जो है उनसे आशा और उम्मीद की किरण है। तो दुष्यंत चौटाला जी के मन में एक जो टीस है कि मैं इस प्रदेश का भला कर सकूं, इस प्रदेश के किसान कमेरे युवा को जो है रोज़गार दिलाने का काम कर सकूं, तो देखिए हमारी 10 सीट हैं और आज प्रदेश की जनता चाहती है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं 2024 के अंदर दुष्यंत चौटाला जी बने और उसी प्रयास के अंदर आज ये मिशन 2024 पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है चलाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन 51 रुपये करने का वायदा किया था, लेकिन अब 1.5 साल का समय बचा है, आपको क्या लगता है क्या बुढ़ापा पेंशन हो पाएगी? देखिए, 2200 रुपये से लेकर 2750 रुपये का सफ़र ऐसे तय नहीं होता। सरकार ने भूलिया था बात, ये जो 5100 रुपये का जो अनाउंस थी वो हमारी पार्टी के एजेंडे के अंदर भी था और हमारी घोषणा भी थी, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी था। हमारी पूर्णतः सरकार नहीं, हम सरकार के सहयोगी हैं, परंतु फिर भी उसके अंदर 500 रुपये की जो वृद्धि, आज 2750 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, अन्य किसी प्रदेश के अंदर इतनी नहीं है, तो जल्द ही उसे नवंबर तक जो है 3000 करने का काम किया जाएगा और प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने बयान दिया है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, राजनीतिक दलों के अंदर व्यक्तिगत विचार जो हैं हमेशा एक दूसरे से विपरीत रहते हैं। हमारा जो प्रयास है, जो दुष्यंत चौटाला जी का प्रयास है, जो संगठन का प्रयास है, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान जो है हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा करके जो है किया जाएगा और 3000 रुपये इसी नवंबर माह से जो है पेंशन को जो 3000 रुपये है करने का काम सरकार करने जा रही है। 90 विधानसभा क्षेत्र में जो आप जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाले हैं, इसमें क्या रिपोर्ट कार्ड जो है बीजेपी के प्रेजेंट करेंगे आम लोगों? देखिए, भाजपा के तमाम नेताओं में और हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रियों में से अगर कोई नेता जो प्रातः 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के समस्या सुनने का जो काम करता है, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई ऐसा नेता है तो वो केवल एक दुष्यंत चौटाला जी हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखना, ये बात तमाम भाजपा के नेता भी कहते हैं, क्योंकि जब आप चंडीगढ़ के अंदर जाएंगे तो केवल दुष्यंत चौटाला जी का एक ऐसा निवास स्थान है, एक ऐसा कार्यालय है जहाँ 24 घंटे उनकी सेवा के अंदर आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी कार्यरत रहते हैं और हर प्रत्येक नागरिक की समस्या को हल करने का काम करते हैं। आपने जनसंपर्क अभियान हल्का हिसार लिखा हुआ है, तो क्या आप हिसार का रिपोर्ट कार्ड हमें बता सकते हैं कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो JJP ने हिसार के अंदर करवाई? देखिए, हिसार के अंदर सरकार बनने से पहले भी जब आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला सरकार अलायंस में बनने के बाद की बात, सरकार अलायंस में बनने के बाद देखिए एलिवेटेड रोड जो है हिसार के लिए मंजूर करवाने का काम आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया और एयरपोर्ट का कार्य जितनी तेज़ी से चल रहा है और आगामी वर्ष के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो हिसार विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे सड़कों की बात हो चाहे गांवों के अंदर, आप देखेंगे कि कल जहां 100 फीट से नीचे गहरे जो हिसार विधानसभा के क्षेत्र के नज़दीक गाँव भी लगते हैं, जहाँ सोलर के माध्यम से उसे ट्यूबवेल चलाने का जो कनेक्शन था, अप्रूवल था, उसे बिजली बोर्ड से अप्रूवल करवाने का काम जो है सरकार ने किया है और निरंतर पूरी मेहनत से दुष्यंत चौटाला जी हर कार्य को करवाने का काम कर रही है।